हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनवायरमेंटल स्टडीज ऑफ क्लास 5th। सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू हैव टू ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी केयरफुली। सो लेट्स कंटिन्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस वीडियो वी वर स्टडीइंग अबाउट लेसन नंबर 7 व्हिच नेम इज फूड फॉर हेल्थ, यानी खाना इसके लिए स्वास्थ्य के लिए, यानी स्वास्थ्य के लिए खाना, जिसमें बच्चों हमने आपको पढ़ा दिया था पेज नंबर 37 और पेज नंबर 38 भी बता दिया था। ठीक है, डेफिशिएंसी डिसीज के बारे में बता दिया था। ठीक, विटामिन एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी डिसीज के बारे में बता दिया था। नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में बताया था और बेरी बेरी रोग क्या होता है ये भी आपको बता दिया गया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्कर्वी। ठीक है, तो स्कर्वी क्या होता है देखेंगे, जानेंगे इसके बारे में बच्चों। तो जो विटामिन सी डिफिशियंसी इन आवर डाइट लीड्स टू स्कर्वी, बच्चों विटामिन सी की कमी का होना हमारे भोजन में स्कर्वी का मुख्य कारण होता है। इन स्कर्वी एंड स्कर्वी में देयर इज स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग फ्रॉम द जम्स एंड पेन इन द जॉइंट्स। तो बच्चों स्कर्वी में जो हमारे दांत होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होने लगती है, ब्लीडिंग और सूजन आने लगती है। जम्स में हमारे सूजन होने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है एंड पेन इन द जॉइंट्स, और जोड़ों में दर्द होने लगता है। जैसे यहाँ आप दिखा सकते हैं, देखो यहाँ दांतों का चित्र दिखाया गया है। तो यहाँ ये जो जम्स है उसमें सूजन हो जाती है, ठीक, और जॉइंट में पेन होने लगता है। टू प्रिवेंट दिस डिसीज, यानी इस बीमारी से बचने के लिए, फूड्स रिच इन विटामिन लाइक ऑरेंज, ग्रेप्स, लेमन, आंवला, इट शुड बी टेकन। यानी इस बीमारी से बचने के लिए हमें जो है विटामिन सी के रिच जो मुख्य स्रोत हैं, जैसे ऑरेंज, ग्रेप्स, अंगूर, संतरे, लेमन, नींबू, आंवला और ईटीसी, यानी इत्यादि, शुड बी टेकन, लेने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आगे बच्चों रिकेट्स। सब रिकेट्स क्या होता है, तो जो रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन आवर डाइट। तो बच्चों हमारे भोजन में विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स मुख्य कारण, यानी विटामिन डी की कमी का होना भोजन में रिकेट्स का मुख्य कारण होता है। इन रिकेट्स में द बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड इजिली ब्रीकेबल। ठीक, यानी रिकेट में जो हड्डियां होती हैं वह सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक, मुलायम हो जाती है और आसानी से भंगुर हो जाती हैं। द चाइल्ड बिकम वोलेट, और जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, वह टेढ़ी टांग वाला हो जाता है। टू प्रिवेंट रिकेट वन शुड टेक ए डाइट रिच इन मिल्क, कैल्शियम मेक्स द बोन्स स्ट्रॉन्ग। तो बच्चों हमें इस बीमारी से बचने के लिए, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में क्या लेना चाहिए, मिल्क लेना चाहिए, जो क्या होता है, कैल्शियम मेक्स द बोन्स स्ट्रॉन्ग। मिल्क में कैल्शियम होता है और ये हड्डियों को क्या करता है, मजबूत करता है। उसके बाद बच्चों अमीनिया। तो अमीनिया बच्चों क्या होती है, अमीनिया जो है शरीर में खून की कमी का होना होता है। जैसे अमीनिया इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ आयरन इन आवर बॉडी इन आवर डाइट, यानी हमारे भोजन में या हमारे आहार में आयरन की कमी होने के कारण अमीनिया होता है। इन सच ए कंडीशन, यानी इस प्रकार की स्थिति में, द हीमोग्लोबिन कैन नॉट ऑफ द ब्लड गेट्स रिड्यूस्ड। तो बच्चों जो हीमोग्लोबिन होता है वह कैन नॉट ऑफ द ब्लड गेट्स रिड्यूस्ड। हीमोग्लोबिन इज सबस्टेंस इन द ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन। तो बच्चों हीमोग्लोबिन एक पदार्थ होता है इन द ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन, यानी जो ब्लड में जो है क्या करता है, ऑक्सीजन को मिलाता है, लेकर आता है। व्हेन द बॉडी गेट्स डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब शरीर गेट्स डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, जब शरीर हमारा ऑक्सीजन लेता है, इट इज नॉट एबल टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। तो जो यह असमर्थ होता है खाने से पर्याप्त शक्ति को लेने में, एज ए रिजल्ट और एक ये परिणाम, यानी एक परिणाम, वी फील टायर्ड इजली एंड ऑफ्टन फेल सिक। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यानी परिणाम यह होता है कि हम जल्दी थक जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। टू अवॉइड सच ए कंडीशन, इस प्रकार की स्थिति को दूर करने के लिए, वी शुड टेक ए डाइट रिच इन आयरन लाइक एप्पल, यानी हमें आहार लेना चाहिए, हमें भोजन लेना चाहिए जो आयरन का बड़ा स्रोत होता है, जैसे एप्पल, कैरेट,
स्पिंच, एग, मीट एंड अदर ग्रीन लीव्स लीफी वेजिटेबल्स, यानी हमें हरी पत्ती वाले सब्जी खाना चाहिए, कैरेट को खाना चाहिए, एप्पल खाने चाहिए, स्पिंच, एग, मीट इत्यादि हमें खाने चाहिए। उसके बाद बच्चों गोइटर, अब बच्चों गोइटर होता है घेंगा, ठीक है, घेंगा रोग बहुत ही खतरनाक होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ इसे घेंगा रोग है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एन अनेमिक चाइल्ड, यानी इससे बच्चों को अमीनिया हुआ है, ठीक है, इसमें खून की कमी है तो किस तरह से बीमार है, और ये बच्चों इसमें इसे घेंगा है तो इसके गले में ये इतनी सूजन है। तो चलते हैं गोइटर क्या होता है, तो गोइटर इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट, यानी हमारे आहार में आयोडीन की कमी का होना घेंगे का मुख्य कारण है। पीपल सफरिंग फ्रॉम गोइटर डेवलप ए स्वेलिंग इन द नेक, तो बच्चे जो लोग घेंगे से गुजरते हैं, सफर करते हैं, ठीक है, तो उनके गले में जो है स्वेलिंग हो जाती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। टू प्रिवेंट द डिसीज, इस बीमारी से बचने के लिए वन शुड टेक आयोडीन सॉल्ट इन हिज हर फूड एंड ईट लोट ऑफ सी फूड्स दैट आर रिच इन आयोडीन, तो बच्चों बीमारी से बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए और अत्यधिक मात्रा में सी फूड यानी समुद्री खाना खाना चाहिए। उसके बाद बच्चों डाइजेशन इन द माउथ, यानी मुंह में डाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है, यानी मुंह में पाचन क्रिया। द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज बाय आवर बॉडी डायरेक्टली, यानी खाना जो हम खाते हैं वह हमारे शरीर में डायरेक्टली नहीं जाता है, इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपल फॉर्म, तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन, तो जो खाने को सिंपल फॉर्म में तोड़ लेना डाइजेशन कहलाता है, पाचन क्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन वी च्यू ए पीस ऑफ ब्रेड, जब हम एक रोटी का टुकड़ा चबाते हैं, इट ब्रेक्स इंटू स्मॉल पीसेस एंड मिक्सेस विद द सैलिवा इन आवर माउथ, तो बच्चों इट ब्रेक्स इंटू स्मॉल पीसेस, यानी यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, एंड मिक्सेस विद द सैलिवा इन आवर माउथ, और हमारे मुंह में उपस्थित सैलिवा में यानी लार में मिल जाता है, लार आप जानते हैं ना, सैलिवा बोलते हैं उसको, मिल जाता है। दस द ब्रेड टर्न्स इंटू ए फाइन पेस्ट दैट टेस्ट स्वीट, तो बच्चों इसलिए द ब्रेड टर्न इंटू ए फाइन पेस्ट, और जो रोटी होती है, जो रोटी का टुकड़ा होता है, वह एक पेस्ट में बदल जाता है, दैट टेस्ट स्वीट, जिसका जो टेस्ट होता है वह अच्छा होता है। दिस इज बिकॉज आवर सैलिवा ब्रेक्स डाउन द सोल्यूबल स्ट्रेस प्रेजेंट इन द ब्रेड इंटू सूट सुगर और ग्लूकोज, तो बच्चों यह इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी सैलिवा जो लार होती है ब्रेक्स डाउन द सोल्यूबल स्ट्रेस प्रेजेंट इन, बच्चों वह क्या होती है, वह इस घुलनशील पदार्थ में मिल जाती है और ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। दिस ग्लूकोज इज एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी बाय द ब्लड एंड दस वी गेट एनर्जी, और बच्चों यह ग्लूकोज बॉडी ब्लड के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया जाता है एंड दस वी गेट एनर्जी, और इसलिए हम एनर्जी शक्ति प्राप्त करते हैं, ठीक। तो बच्चों आज हमने आपको यहां तक पढ़ा दिया है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।